आपके केबी न्यूज के प्राइम टाइम न्यूज में मैं ऐश्वर्या शिंदे आप सभी का स्वागत करती हूं। आइए नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। नागपुर में ईडी कार्यालय के आगे यूथ कांग्रेस का अर्धनग्न आंदोलन, पुलिस द्वारा कई कार्यकर्ताओं को लिया गया हिरासत में। स्पाइस जेट पर डीजीसीए की बड़ी कार्रवाई, 50% उड़ानों पर 8 हफ्ते के लिए रोक। और औरंगाबाद का नाम बदलने का मामला पहुंचा हाई कोर्ट में, फैसले के खिलाफ जनहित याचिका दायर। अब खबरें विस्तार से। ईडी द्वारा सोनिया गांधी को पूछताछ के लिए बुलाए जाने के खिलाफ पूरे भारत में विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने आज लगातार दूसरे दिन नागपुर में विरोध प्रदर्शन किया और अर्धनग्न आंदोलन भी किया। इस दौरान कांग्रेस के कई कार्यकर्ताओं ने नाराजगी जताते हुए नारेबाजी की। नागपुर में ईडी कार्यालय के सामने कांग्रेस द्वारा आज अर्धनग्न आंदोलन भी किया गया। यूथ कांग्रेस द्वारा नागपुर में आज लगातार दूसरे दिन विरोध प्रदर्शन किया गया। इस वक्त स्थिति इतनी खराब हो गई कि पुलिस और यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के बीच धक्का मुक्की भी देखने को मिली, जिसके बाद पुलिस द्वारा अनेक कार्यकर्ताओं को पुलिस द्वारा हिरासत में लिया गया। इस वक्त कार्यकर्ताओं ने तानाशाही नहीं चलेगी के नारे लगाते हुए तीव्र आक्रोश व्यक्त किया। इस अर्धनग्न आंदोलन में कई कार्यकर्ताओं का सहभाग था, जबकि कड़ा पुलिस बंदोबस्त भी देखने को मिला। वीकेबी न्यूज के लिए कैमरा पर्सन रोशन बोकड़े के साथ वैदेही चव्हाण की रिपोर्ट। मनी प्लांट मल्टी लेवल मार्केटिंग कंपनी के मुख्य डायरेक्टर गजानन बोधीकर, इन्होंने एक स्कीम शुरू की थी जिसमें 30,000 रुपयों में जुपिटर गाड़ी दिलाने का दावा किया गया था, जिसमें जिसने 30,000 रुपए दिए उसे 4 कस्टमर दिए जाते थे। नागपुर के उनके एक एजेंट अजय रामभाव हिंगे ने उनकी पड़ोसी महिला को सुयोग नगर स्थित इंद्रायणी टीवीएस शोरूम ले गया और महिला से 30,000 रुपए लेकर कुछ दस्तावेजों पर महिला के हस्ताक्षर लेकर उसे गाड़ी सौंपी गई। महिला का IDFC बैंक का 100% लोन एग्रीमेंट था, जिसके बावजूद महिला को पैसे भरने पड़े थे। इसी बात की जानकारी लेने और पूछताछ के लिए महिला फिर उनके पास गई। पूछताछ करने के दौरान उनमें बहस शुरू हो गई। महिला ने 2019 में इस घटना की जानकारी पुलिस को दी थी। 2 साल तक इस घटना की जांच होने के बाद पुलिस ने आरोपी अजय रामभाव हिंगे को गिरफ्तार किया है, जिसने नागपुर में कई लोगों के साथ इसी प्रकार की धोखाधड़ी की थी। मनी प्लांट मल्टी लेवल मार्केटिंग कंपनी है, त्याचे मुख्य आहे डायरेक्टर गजानन बोधीकर, हे श्रीराम नगर भद्रक येथे राहतात। त्यांनी एक स्कीम चालू केली की 30,000 रुपये में ज्युपिटर गाडी मिळेल, त्यासाठी ज्याला ज्याने 30,000 रुपये दिले त्याला 4 कस्टमर म्हणून द्यायचे, अशा प्रकारची ती स्कीम होती। त्यांचा नागपुरातील एजंट अजय रामभाऊ हिंगे हा होता। हिंगे आणि त्याच्या शेजार राहणारी महिला हिचेकडून 30,000 रुपये घेतले आणि तिला गाडीसाठी इंद्रायणी टीव्ही शोरूम सुयोगनगर येथे घेऊन गेला। तिथे त्यांनी काही कागदपत्र तिच्या सह्या घेतल्या आणि तिला गाडी दिली। काही दिवसानंतर तिला जे IDFC त्या कागदावर सही केल्या, ते IDFC फर्स्ट बँक चं लोन 100% लोन ॲग्रीमेंट होतं। मग त्यानंतर तिने त्याकडे विचारपूस केली की काय भानगड आहे तुम्ही, तर आम्हाला 4 कस्टमर दिल्यानंतर फुकटमध्ये म्हणजे फ्री गाडी आमची फ्री होणार होती,
त्यामुळे त्यांचा पैशाबाबत वाद सुरू झाला. त्यानंतर तिने 2019 आर्थिक गुन्हे शाखा इथे तक्रार दिली. 2 वर्ष सदर गुन्ह्याची चौकशी झाल्यानंतर आर्थिक गुन्हे शाखेने त्यावर गुन्हा दाखल करण्यासाठी पोलिसला कागदपत्र आणल्याने आम्ही सदरचा गुन्हा दाखल केला. त्यातील आरोपी अजय इंगे हा अटक असून याने नागपुरातील 12 ते 15 लोकांकडून पैसे घेतलेले आहे आणि ते डायरेक्टर गजानन बोरीकरला दिलेले आहे. त्याला यामध्ये कमिशन मिळायचं. सदर गुन्ह्यात तो आरोपी अटक असून त्याच्याकडे सखोल तपास सुरू आहे. सर, या ज्या आरोपी आहेत त्यांच्यावरती अजून कोणी निरीक्षण होऊ शकतं का आणि किती आरोपी अजून यांच्यावर काही गुन्हे वगैरे आहेत का? नाही, हे काय आपलं व्हाईट कॉलर क्रिमिनल आहे. त्यांचं अजून सध्या ते रेकॉर्ड काही मिळालेलं नाही, पण याच्यात अजून डायरेक्टर किंवा कंपनीचे इतर कोणी लोक असेल ते आरोपी तपासामध्ये निष्पन्न होऊ शकतात. अंबाझरी पोलीस थाना अंतर्गत लिव्ह इन रिलेशनशिप में रह रही एक प्रियसी अपने बॉयफ्रेंड से बहस के बाद साथ रहने से मना कर रही थी, तो गुस्साए प्रेमी ने अपनी प्रेमिका को सड़क पर ही पीटा और उसका यौन शोषण किया. लड़की एक निजी अस्पताल में नर्स है. अस्पताल में आकर बॉयफ्रेंड ने दुर्व्यवहार किया. इस मामले में पुलिस ने मामला दर्ज कर युवती की शिकायत के आधार पर उसे गिरफ्तार कर लिया है. नगर विमान महानिदेशालय ने स्पाइसजेट पर बड़ी कार्रवाई करते हुए उसके 50% उड़ानों पर 8 हफ्ते के लिए रोक लगा दी है. डीजीसीए ने कार्रवाई उनके विमानों में आई खराबी को देखते हुए लिया है. डीजीसीए की तरफ से जारी अंतरिम आदेश में कहा गया है कि 1 अप्रैल से 5 जुलाई की तारीख के बीच हुई घटना का भी जिक्र किया गया है. डीजीसीए ने कहा कि स्पाइसजेट एक सुरक्षित, कुशल और विश्वसनीय हवाई परिवहन सेवा स्थापित करने में विफल रही है. आदेश में कहा गया है कि एयरलाइन इसे रोकने के लिए उपाय कर रही है, लेकिन उसे एक सुरक्षित और विश्वसनीय हवाई सेवा के लिए अपने प्रयासों को बनाए रखने की जरूरत है. 12 जुलाई को ही स्पाइसजेट की दुबई मदुरै उड़ान में विमान के अगले पहिए में खराबी आ गई थी. इससे पहले कई ऐसी घटना हुई जिससे विमानों पर सवाल उठे. डीजीसीए ने 6 जुलाई को विमान में तकनीकी खामी की घटित 8 घटनाओं पर कारण बताओ नोटिस जारी किया था. उड्डयन नियामक ने कहा था कि सस्ती सेवा प्रदाता कंपनी सुरक्षित, प्रभावी और विश्वसनीय हवाई सेवा मुहैया कराने में असफल रही है. खबरों के सिलसिले में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का. मिलते हैं ब्रेक के बाद. लव यू दीपिका, बाय. सब जानना चाहते हैं, मेरा फेवरेट कलर, मेरा फेवरेट डेस्टिनेशन, मेरी फेवरेट डिश. पर कोई ये नहीं पूछता कि फेवरेट डिश मैं बनाती कैसे हूँ. अरे यार, जिसे टेस्टी खाना पसंद है वो अच्छे टेस्ट तक पहुँच ही जाता है. सुरुचि मसाले, खाने में हो रुचि तो घर लाइए सुरुचि. अपने सपनों की उड़ान भरने की इच्छा तो हर किसी की होती है, पर पंख भी तो मजबूत होने चाहिए. फ्लाईव्हील एविएशन अकेडमी एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जहां पर एयरलाइंस एंड एयरपोर्ट हॉस्पिटैलिटी और टूरिज्म मैनेजमेंट, साथ ही यहां कैंपस इंटरव्यू, गाइडेंस बाय इंडस्ट्री एक्सपर्ट, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग एट एयरपोर्ट, एक्सपर्ट फैकल्टी, पर्सनल ग्रूमिंग जैसे कई सारे बेनिफिट्स आप पा सकते हैं. फ्लाईव्हील एविएशन अकेडमी, 1 degree 3 job opportunities. फ्लाईव्हील एविएशन अकेडमी गिव्स यू अ डिग्री और डिप्लोमा विद अ जॉब. फ्लाईव्हील एविएशन अकेडमी, 365 गांधीनगर, LAD कॉलेज स्क्वायर, बिसाइड कर्नाटक बैंक, नागपुर. बॉस ने मीटिंग बुलाई. बाहर बाहर उठो बैठो. तकलीफ उठने बैठने की नहीं, तकलीफ बवासीर की है. बवासीर, फिशर, भगंदर, पाइलोनियल साइंस का आयुर्वेद तथा आधुनिक लेजर से उपचार. कॉल और विजिट करें www.pilesfistulacure.com. फिर से स्वागत है. नागपुर में स्वातंत्र्य के अमृत महोत्सव और स्वातंत्र्य को 75 साल पूरे होने के अवसर पर 13 से 15 तारीख तक पुलिस 65 किलोमीटर की दौड़ पूरी करने वाले हैं और 14 को 10 किलोमीटर की दौड़ लगाकर स्वातंत्र्य का अमृत महोत्सव मनाया जाने वाला है, जिसमें 8 अधिकारी और 22 कर्मचारी सहभागी हुए हैं. स्वातंत्र्याच्या अमृत महोत्सवानिमित्त, आपल्या स्वातंत्र्याला 75 वर्ष पूर्ण होत असल्याच्या निमित्त,
15 तारखेपासून 13 तारखेपर्यंत आम्हाला 65 किलोमीटरची दौड करायची आहे आणि 14 तारखेला अधिक 10 किलोमीटर म्हणजे 75 किलोमीटरची दौड करून स्वातंत्र्याचा अमृत महोत्सव साजरा करायचा आहे. त्या दृष्टीने विभागीय स्तरावर, आयुक्तालय स्तरावर आणि पोलीस स्टेशन स्तरावर अधिकारी आणि कर्मचारी हे या स्पर्धा दौडमध्ये भाग घेऊन तो अमृत महोत्सव साजरा करणार आहे. आमच्यापैकी 8 अधिकारी आणि 22 कर्मचारी त्याकरता सहभागी झालेले होते. आज काही लोक स्वतःच्या घरून दौड करत आहे आणि आम्ही सगळे इथे पोलीस स्टेशनला येऊन 5 अधिकारी आणि 10 कर्मचारी आम्ही लोक पळालेलो आहे. इथून आम्ही मानेवाडा चौक आणि तिथून परत बेसा चौक असं 5 किलोमीटर पूर्ण पोलीस स्टेशन ते अंतर पूर्ण केलेलं आहे. हा अमृत महोत्सव म्हणजे एक सुवर्ण क्षण आहे आणि त्यामध्ये साजरा करण्याची ही एक पद्धत आहे. सगळे मिळून आम्ही एकीचं बळ या पोलीस स्टेशनच्या हद्दीमध्ये दाखवतोय आणि सगळे मिळून आम्ही हे जे करतोय तर आमच्यामधली पण जी आपुलकी आहे आणि एकात्मता आहे करतो. महाराष्ट्र सरकार ने राज्य में प्लास्टिक कोटेड और लैमिनेटेड सामानों के उत्पादन और इनके उपयोग पर पूर्णतः प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है. सीएम एकनाथ शिंदे ने मंगलवार को कहा कि अब राज्य में प्लास्टिक कोटेड और लैमिनेटेड सामानों के उत्पादन और इनके इस्तेमाल पर बैन लगा दिया गया है. यदि कोई नियमों का उल्लंघन करते पाया गया तो उसके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा. बता दें कि 23 मार्च 2018 को महाराष्ट्र सरकार ने एक बार इस्तेमाल होने वाली प्लास्टिक सामग्री जैसे बैग, चम्मच, प्लेट, पीईटी, पीईटीई बोतलें और थर्माकोल के निर्माण, उपयोग, बिक्री, वितरण और भंडारण पर प्रतिबंध लगा दिया था. औरंगाबाद का नाम बदलकर संभाजीनगर करने के महाराष्ट्र सरकार के फैसले को हाई कोर्ट में चुनौती दी गई है. बता दें कि आज यानी बुधवार को बंबई हाई कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की गई है. औरंगाबाद के निवासी मोहम्मद मुश्ताक अहमद, अन्ना साहेब खंडारे और राजेश मोरे द्वारा दायर याचिका पर उच्च न्यायालय 1 अगस्त को सुनवाई कर सकता है. राज्य में उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली पूर्ववर्ती महाविकास आघाड़ी सरकार ने इस साल 29 जून को आखिरी कैबिनेट बैठक में शहर का नाम संभाजीनगर करने का फैसला किया था. वहीं मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली नई सरकार ने इस महीने की शुरुआत में एक नया प्रस्ताव पारित किया है जिसमें मराठवाड़ा क्षेत्र के सबसे बड़े शहर का नाम छत्रपति संभाजीनगर रखे जाने को मंजूरी दी गई. चिका में दावा किया गया है कि 2001 में राज्य सरकार ने औरंगाबाद शहर का नाम बदलने का प्रयास किया था लेकिन इसे निरस्त कर दिया गया था. याचिका में दावा किया गया कि मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली पिछली सरकार ने राजनीतिक कारणों से अपने अंतिम समय पर अनधिकृत रूप से औरंगाबाद का नाम बदलने का मुद्दा पिछली कैबिनेट बैठक में उठाया था. याचिका में आगे कहा गया कि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली वर्तमान सरकार ने जनता की भावनाओं को ध्यान में रखे बिना और संविधान के प्रावधानों की अवहेलना करते हुए इस फैसले को बरकरार रखा. नागपुर के ज्योतिबा जूनियर कॉलेज में चित्रकला व निबंध स्पर्धा का आयोजन किया गया था. इस प्रतियोगिता में कई बच्चों ने सहभाग लिया और इस वक्त प्रतियोगियों में उत्साह भी देखने को मिला. लोकमान्य तिलक जनकल्याण शिक्षण संस्था द्वारा संचालित ज्योतिबा जूनियर कॉलेज में चित्रकला व निबंध स्पर्धा भारत सरकार द्वारा आज़ादी का अमृत महोत्सव अंतर्गत आयोजन किया गया था. जूनियर कॉलेज के प्राचार्य गणेश लाम्बट इनके अध्यक्षता में संपन्न हुई प्रतियोगिता में विद्यार्थियों ने बढ़ चढ़ कर भाग लिया. स्पर्धा को सफल बनाने संजय घारपुरे, प्राध्यापक दत्तू गीते, प्राध्यापक संजय करने, प्राध्यापक वामन येवले, प्राध्यापक संजय कापसे, प्राध्यापक आदेश जैन, प्राध्यापक दिनेश राउत, प्राध्यापक बाबूराव मेंढे, प्राध्यापिका सरिता बुटके, प्राध्यापिका वैशाली भुजबल, प्राध्यापक राहुल जी गौर, प्राध्यापक विनोद वंजारी, प्राध्यापक नीलेश गंथाड़े, प्राध्यापक रजत चिकनकर, प्राध्यापिका कादंबरी बांगड़कर, प्राध्यापिका प्रियंका ठौकर, प्राध्यापिका मिनल पोटे, विजय वासनिक इत्यादि शिक्षक वर्ग ने अथक प्रयास किया. तो वीकेबी न्यूज के प्राइम टाइम न्यूज में आज बस इतना ही. कल फिर मिलेंगे. तब तक देखते रहिए वीकेबी न्यूज. नमस्कार.